हेलो नमस्कार आदाब सत और अलैकुम मैं मोहम्मद अहमद काजमी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू इस कार्यक्रम में हम आपको जो रोज़ाना की बड़ी ख़बरें होती हैं उसके पीछे की ख़बर क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों से बात करते हैं ताकि हम आपके रूबरू करा सकें उन हालात को जिन हालात को आप हर दिन देख रहे हैं अखबारों में जो कुछ सुर्खियाँ बन रही हैं हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं सी ए के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे देश में ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उसका एक नया एक नया फेज शुरू हुआ है पिछले दिनों पहले शाहीन बाग में एक लड़का आता है वो स्टेज पे जाकर के बंदूक दिखाता है पिस्टल दिखाता है और फिर अगले ही दिन जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोटेस्ट करते हुए स्टूडेंट्स के सामने गोली वो लेता है और पुलिस वाले बहुत आराम से पांच पुलिस थानों की पुलिस और कई एस मौजूद उनकी मौजूदगी में एक शख्स आता है जो तवलचा लहराता ही नहीं बल्कि गोली भी चलाता है उसमें एक स्टूडेंट जख्मी हो जाता है मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीस दुर्रानी साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बड़े लंबे समय से पूरी सियासत को इस मुल्क के हालात को बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं अनीस दुरानी साहब वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में आप बताइए कि ये जो सूरत हाल बन रही है उसे आप किस नज़र से देख रहे हैं क्या कुछ है जो हमें एक तरह से ये सब इस देखना पड़ रहा है इसकी हमें गवाही देनी पड़ रही है इतने बदतरीन हालात डेमोक्रेसी में अब से पहले नज़र नहीं आए देखिए अंग्रेज़ी में एक अलाह है जिसे कहते हैं बैनाना डेमोक्रेसी तो हम बदकस्मती से एक सेकुलर डेमोक्रेसी से एक बेनाना डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं जी इसलिए कि जो कुछ हालात इस वक्त हो रहे हैं इसमें सबसे जो अफसोसनाक बात यह है वो ये है कि ये सरकारी स्पॉन्सर्ड है हकूमत इसको इस्पॉन्सर कर रही है हकूमत इसकी सरपरस्ती कर रही है जी, जी, अभी इसके अलावा और क्या रिजल्ट निकलेगा कि जब सेंट्रल मिनिस्टर ये कहे कि लोगों को इस बात के लिए उकसाए सेंट्रल मिनिस्टर के गोली मारो सालों को जी, देश के इन गद्दारों को गोली मारे सालों को इस किस्म की जब वो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जो गैर महजब होने के अलावा भी एक तरह का जुर्म है जी, जी, जी। इस लिहाज से जुर्म है कि आपने आयन का हल्फ लिया ले, है।, है और आपने इस चीज़ को कहा है कि हम आयन की पाबंदी करेंगे और उसका तकाजा ये था कि आप कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ जी जी। जो गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो बात ठीक थी हम भी इतफाक़ करते हैं गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन आप मिनिस्टर होकर एक सेंट्रल मिनिस्टर होकर ये कह खुद कानून को अपने हाथ में ले रहा हो ये नहीं कह रहे कि कानून सजा देगा बल्कि कह रहे आवाम से कह रहे भीड़ से कह रहे मजमे से कह रहे कि इनको सजा दो इनको गोली मारो तो जब इस तरह का माहौल होगा तो जाहिर है कि इस किस्म के नतज जो हैं वो सामने आएंगे अच्छा दिल्ली विधानसभा का कैंपेन चल रहा है इसमें अमित शाह जी और दूसरे भी बीजेपी के लीडर्स एक का नाम आपने लिया उसके अलावा भी वो ऐसे प्रोवोकेटिव बातें कर रहे हैं उसमें कभी कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का जंग होगी आठ तारीख को कभी शाहीन बाग पूरे पूरा मुल्क इस तरह की बातें हो रही हैं आखिर इसका नतीजा क्या होगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं क्या ये घबराए हुए हैं परेशान हैं या स्ट्रेटजी ही है ये स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है देखिए पिछली गवर्नमेंट इनकी थी दिल्ली के अंदर इनकी नाक के नीचे इनकी हुकूमत नहीं थी बहुत जोर लगाया था इन्होंने बड़ा जो कुछ भी करे थे कारनामे उस वक़्त सबके सामने है याद होगा लोगों को जी 2014 में इनकी सरकार यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बनी और 15 में ही हार गए यहाँ पंद्रह ही में हार गए जी, जी, जी। तो बात यह है कि ये बात नीचे से नहीं ऊपर से भी इसी तरह की चली आ रही है हाँ, कि ये उनको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन हार रहे हैं बावजूद तमाम नापाक कोशिशों के सूरत हाल ये है कि आज ये इलेक्शन हार रहे हैं उसकी जो भी वजूहत रही हो आ, कोई मुनासिब अपोजिशन ना हो उनके और जो हुक्मरान जमात है उसने कुछ अच्छे काम किए हो व जो भी वजूहत हो मैं उसमें जी नहीं जाता जी लेकिन ये इलेक्शन हार रहे हैं हाँ। और जब ये इलेक्शन हार रहे हैं तो ये इनको इन्होंने इसको अपने ईगो का सवाल अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है कि हमको ये इलेक्शन बाई हुक और बाई क्रुक ये जीतना ही है इसी इस मुल्क का वजीर दाखिला ये कहता है ऐसा बटन दबाओ कि उसकी उसका करंट जो है वो जाकर वहाँ नजर आए शाहीन बाग, बाग के अंदर जी जी जी। असल में अभी जो आपने कहा शाहीन बाग नहीं है ये हाँ, हाँ। ये इलेक्शन को हिंदू ब मुसल, मुकाबला मुसलमान बनाया जा रहा है शाहीन बाग तो एक सिंबल बना दिया मुसलमानों का हालांकि उसमें सिर्फ मुसलमान हालांकि उसमें मुसलमान शामिल नहीं है कल जिस बच्चे को गोली लगी उसको उसको अस्पताल लेके भागने वाली लड़की जो थी वो गैर मुस्लिम थी जी 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 तो ये, इसे कम्युनल सवाल है नहीं और ये इसी चीज़ से ज़्यादा परेशान है कि जो इन्होंने करना चाहा था हाँ। हिंदू और मुसलमान के बीच में तफरीक डालनी चाहिए थी वो उसका बिल्कुल उलट हो गया और नई नस्ल जो है इनको धुतकार रही है बावजूद इसके कि ये पाँच पाँच साल के दस छः छः साल के बच्चों को शाखा में ले जाते थे और पूरा माइंड सेटअप करते थे उसका तो जाहिर है कि वो लोग तो अब बालग हो चुके हैं और वो दूसरे आ, आ, उसे ना समझदारी की उम्र से आगे निकल चुके हैं तो वो तो पुख्ता है अपने रंग लेकिन जो अब जो कॉलेजों के बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं जो बहुत समझदार हैं बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर रहे हैं वो सब ये देख रहे हैं कि जिस जब तक इस मुल्क में अमन अमान नहीं होगा उनको नौकरियाँ नहीं मिल सकती थी, थी, उनकी थी, माशी सूरत हाल दुरुस्त नहीं हो मुल्क सकती नहीं कर सकता मुल्क तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि जब तक अमन अमान की सूरत हाल मुनासिब नहीं होगी अच्छी की बात नहीं कर मुनासिब नहीं होगी उस वक्त तक गैर मुल्की सरमाकारी नहीं हो सकती और ग़ैर मुल्की सरमायकारी के बग़ैर ये मुल्क तरक्की कर नहीं सकता क्योंकि इन्होंने जो लल्ले लते लगा रखे हैं जिस तरीके से कुछ मालदारों को मखसूस मालदारों को और ज़्यादा मालदार बनाना चाह रहे हैं और उस, उसका नतीजा और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है लोगों को और लोग ये नई नस्ल समझ रही है कि हमारा मुस्तकबिल तारीख है तो ये जो ये इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई अच्छा दिल्ली पुलिस जाहिर है अमित शाह जी के अंडर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की है स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है वो जब जामिया का वाक़ हुआ तो लाइब्रेरी में हॉस्टल्स में मस्जिद के अंदर तक इमाम को सबकी मार पिटाई किस किस हद तक विजुअल्स आए थे हमारे आपके सबको याद है उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में तकरीबन सौ लोग गुंडे घुस गए और पुलिस बाहर खड़ी रही या उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और आज तक उनकी गिरफ्तारियों का कहीं जिक्र नहीं है कल के इस वाकई में भी जब ये बंदूक ये पिस्टल लेकर के लहरा रहा था उसके पीछे बाकायदा आज जो अखबारों में तस्वीर आई है बाकायदा उनके अफसर हाथ बांधे हुए खड़े हैं ऐसी पुलिस आखिर क्यों इस हालत में पहुंच गई क्यों आ, ये आ, क्या होगा जब पुलिस से ही ये उम्मीद नहीं होगी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें या ये ख़राब करने के लिए आए हैं तो आखिर मुल्क के लोग कहाँ जाएं किस पर भरोसा करेंगे पुलिस की मौजूदगी में आमतौर पर अपने आप को इंसान सेफ़ महसूस करता है बदकस्मती यही है कि हिंदुस्तान में हमारे भारत के अंदर पुलिस को वो इज्जत हासिल नहीं है जो पुलिस को इज़्ज़त गैर गैरमालिक में हासिल है जो उसका एहतराम किया जाता है इसलिए कि वहाँ पुलिस जो है वो एक मददगार की हैसियत से होती है वो आप परेशानी में है। आपके आपके कमरे के अंदर एक बिल्ली घुसी आई है जो आप निकल नहीं रही वहाँ पर लोग पुलिस को टेलीफोन करते हैं कि हम गारे घर में बिल्ली घुसी है और हमारा हमारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है बिल्ली ने तो जो मददगार वाला रोल है वो तो यहाँ सिरे से है ही नहीं क्योंकि तमाम हुकूमत उसके लिए जिम्मेदार है सारी अहत अशलाहत हुई सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आई लेकिन पुलिस के निज़ाम में आज तक तब्दीली नहीं आई वही पुलिस का निज़ाम इस मुल्क में आज तक राइज है जो अंग्रेज़ ने बनाया था कि आम हिंदुस्तानियों को एक खौफ के आलम में रखना एक आम हिंदुस्तानी को उसके ऊपर तसलुत रखना उसको अपने जूते के नीचे कुचल कर रखना ताकि सर ना उठा सके वही विरसे के अंदर चीज़ें तमाम हुकूमतें जो सत्तर साल में रही हैं उन्होंने भी यही तरीक़ा अपनाया लेकिन वो लोग शायस्ता थे थोड़ा बहुत तरक्याफ्ता थे प्रोग्रेसिव थे ये जो है ये हुकूमत तो वो है जो आज से हजारों साल पहले की अपने आप को जानशीन कहती है दे 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 दे। तो और इन्होंने इनका इन्हों, इन्होंने तो इसको जो हिंदी में कहावत है तथा राजा तथा प्रजा तो ये जैसे ही हैं वैसे ही पुलिस काम कर रही है जी 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 जब जब होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं बटन दबा दो अब होम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि, कि एक तरफ यानी इस मामले में क्या ताल्लुक़ है इस चीज़ का कि एक तरफ राष्ट्रभक्त राष्ट्र है देशभक्ति है और एक तरफ शाहीन बाग है तो शाहीन बाग में रहने वाले क्या गद्दार हैं मुल्क के शाहीन बाग ने शाहन बाग में रहने वाले प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा एहतराम करते हैं इस मुल्क के आइन का ये प्राइम मिनिस्टर और ये वजीर दाखिला ये तो मुस्तिल तौर पर आयन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं आयन को नकारते हैं आयन आयन से नराफ करना चाहते हैं लेकिन शाहीन बाग के अंदर जो बैठा हुआ बुढ़ा भी है सत्तर साल का अस्सी साल का जो औरत बैठी हुई दादियाँ वहाँ बैठी हुई हैं जवान बच्चे लड़कियाँ बैठी हुई हैं वो सब के सब कानून का एहतराम करते हैं मुल्क के आयन का एहतराम करते हैं और ये लड़ाई सारी मुल्क के एहतराम को बचाने की तो है जी, जी, ये एहतराम के ये मुल्क के आयन के साथ जिना जनाबिलज्र करना चाहते हैं और ये जो शाहीन बाग में लोग बैठे हैं और शाहीन बाग के अलावा भी दिल्ली के अंदर पंद्रह मुकामात पे लोग बैठे हुए हैं धरने पर सारे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में लोग धरना दिए बैठे हैं वो सब लोग वो हैं जो मुल्क के है हमदर्द हैं मुल्क के खैर हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क जो है सालिम रहे यकजहती रहे अमन व अमान रहे अच्छा एक बात बताइए कि देखिए पुलिस का जो रोल है वो तो आपने बताया जो सूरत हाल है इसी के साथ अभी जामिया वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी डेट दे दी उसके बाद हम सुनेंगे और तब सुनेंगे साहब जब बिल्कुल हालात कंट्रोल हो जाए यानी हमले हमले बंद करा दीजिए पुलिस की ही जबान में तकरीबन इस तरह की बात कही गई अब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जो सुनवाई करनी थी वो भी फिर पेंडिंग कर दी गई क्या ये पुलिस पर जुडिशरी पर भी एक तरह से जो जो रिस्पेक्ट होना चाहिए जो भरोसा होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है डेमोक्रेसी में अगर ये दो बड़े पिलर इस तरह से कमज़ोर हो जाएं तो आखिर जो डेमोक्रेसी पर यकीन करने वाले या आम आदमी कहाँ जाए अपनी तकलीफ लेकर के ये बहुत बड़ा सवाल है कि कहाँ जाए और क्या करे इसी परेशानी को लेकर ही ये सारा जो सब मुल्क के अंदर तहरीक चल रही है वो यही है ये बहुत ही अहम बात आपने कही है राज साहब आज मुल्क के अंदर अदलिया का एक विकार हुआ करता था और आम आदमी गरीब से गरीब आदमी चाहे फैसला उसके खिलाफ हो या उसके हक़ हाँ में हो उसको भी ये अहतम होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया अच्छा भी ठीक है जो कोर्ट ने कह दिया हम उसको मानेंगे लेकिन बदकस्मती ये है कि कोर्ट का भी निज़ाम जो है वो अब मशकूक नज़र आने लगा है लोगों को क्योंकि कोर्ट के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन जो सूरत हाल है बर, भरोसे की कमी ही अपने भरोसे हाँ में, में, में कमी महसूस लोग कर रहे हैं ये खुद सुप्रीम कोर्ट के सोचने की बात है और इसकी दागबेल भी माफ़ कीजिए इसी मोदी और अमित शाह सरकार ने डाली है ये वही लोग हैं जो पिछले पंद्रह साल से चिल्ला रहे थे कि हम अदालत की बात नहीं मानेंगे हम तो आस्था को मानेंगे हम तो आस्था के बुनियाद पर फैसला मानेंगे और आपको याद होगा उस वक्त भी मुसलमान ये कह रहा था पंद्रह साल पहले भी बीस साल पहले भी कि जो अदालत फैसला सुनाएगी हम उसको मानेंगे जी, जी, तो जी, हमारा तो अहतम कोर्ट पर आज भी है हम आज भी यकीन करते हैं और कोशिश कर करेंगे और करनी चाहिए हम सबको कि अदलिया गैर जानबदार रहे लेकिन अगर आम आदमी के लिए क्या आपके पास पैगाम है क्या कहना चाहेंगे ऐसे हालात में वो किस तरह से वक्त को गुजारें ताकि देखिए सबसे बुरे सबसे ख़ास तौर पर मैं तो अत अकली के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि डरें बिल्कुल नहीं ये कोशिश ही यही करी जा करी जा रही है कि आपको डरा दिया जाए दे दे। क्योंकि देखिए ये चीज़ अगर किसी से ये हकूमत किसी से खौफ ज़्यादा है तो महात्मा गांधी की लाठी से खौफ ज़्यादा है जी, 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 और जब तक मुसलमान महात्मा गांधी को लाठी को अपने हाथ में नहीं लेगा और गांधी जी की तरह लाठी होने के बावजूद अदम तशद की पैरवी नहीं करेगा जी. उस वक्त तक हालात अब मुल्क के सुधर नहीं सकते यानी आज जरूरत आज का ही हल है अहिंसा ही इसका हल है लेकिन मुसलमानों को अब गोली खाने के बजाय सी लाठियाँ खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा और ये मैं समझता हूँ एक शुरुआत हुई सारे मुल्क के अंदर मुल्क की तारीख में पहली बार हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भाई बुज़ुर्ग सड़कों पर बैठे हुए हैं मौसम से लड़ रहे हैं और पुलिस की भपकियों से नहीं लड़ रहे हैं मुकदमे भी उन पर बन रहे हैं मुझे सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अगर गांधी की फिल्म देखें सबको देखनी चाहिए गांधी फिल्म एटनब्रो वाली और उसमें जिस तरीके से उन्होंने देखाया है कि मौलाना आज़ाद टोपी और शेरवानी पहने खड़े हैं गांधी जी के साथ और पुलिस की लाठियां उन पर चल रही हैं और वो सीना ताने खड़े हुए हैं हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा अगर हमको अपनी बका चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिस दुर्रानी साहब आपने बहुत ही मुख्तर लेकिन बहुत ही काम की बातें आपने कही और मशवरा भी दिया अहिंसा ही ऐसा रास्ता है जिसमें आप सब्र करके तरक्की हासिल कर सकते हैं और अपने मसाइल हल होने की उम्मीद कर सकते हैं इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद शुक्रिया जय भारत जय हिंद